नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क हमें रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकालना है इस क्वेश्चन में इससे पहले के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप मेरी साइट डब्लू डब्लू डब्ल्यू डॉट ई लर्न मैथ डॉट इन पर जाएँ सिंपली अपनी क्लास क्लिक करें बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट देख सकते हैं अब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमें रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकालना है विच इज़ थर्टी सिक्स होल थ्री अपॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग हमें इसकी लेंथ दे रखी है पार्क की और ब्रेथ दे रखी है तो हम दोनों चीज़ें लिख लेते हैं लेंथ कितनी दे रखी है पार्क की लेंथ ऑफ पार्क दे रखी है हमें दैट इज थर्टी सिक्स होल थ्री अपॉन फाइव मीटर और ब्रेथ कितनी दे रखी है पार्क की ब्रेथ ऑफ पार्क दे रखा है हमें होल्ड टू अपॉइंट थ्री मीटर राइट अब हमें एरिया निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क रेक्टेंगुलर पार्क एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर पार्क का हमें पता है ले टू ब्रेथ निकालते हैं रेक्टेंगल का एरिया वही लग जाएगा रेक्टेंगुलर पार्क हो या रेक्टेंगल की शेप हो बात एक ही है तो लेंथ कितनी थी हमारी थर्टी सिक्स होल थ्री अपॉन फाइव और ब्रेथ कितनी थी हमारी सिक्सटीन होल टू अपॉन थ्री और क्योंकि ये एरिया है और एरिए की यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है इसलिए मीटर स्क्वायर लिख रही हूँ अब देखिए इन दोनों को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो कैसे करेंगे थर्टी सिक्स फाइव यहाँ साइड में करके देख रही हूँ थर्टी सिक्स फाइव ज फाइव सिक्स थर्टी थ्री कैरी फाइव थ्री इज ऑफ फिफ्टीन सिक्सटी सेवनटीन एटीन वन एट्टी वन एट्टी प्लस थ्री इज वन एटी थ्री तो ये आ गया वन एटी थ्री अपॉन फाइव इन टू सिक्सटीन थ्री इज इज फोर्टी एट प्लस टू इज फिफ्टी फिफ्टी अपॉन थ्री मीटर स्क्वायर अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे फाइव वन ऑफ फाइव फाइव टेनज ऑफ फिफ्टी एंड थ्री वन जी थ्री सिक्स ज़ा एटीन एंड थ्री वन जा थ्री तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा देखिए सिक्सटी वन इंटू टेन मीटर स्क्वायर तो ये कितना है सिक्स हंड्रेड एंड टेन मीटर स्क्वा हमारा एरिया आ गया पार्क का आंसर लेट यू नेक्स्ट क्वेश्चन ना नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्र प्लॉट ऑफ लैंड हमें अब स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड का एरिया निकालना है हुज ईच साइड मेजर्स और उस स्क्र प्लॉट के एरिए की साइड दे रखी है हर एक साइड एट होल वन अपॉइंट टू मीटर है तो हमें साइड लिख लेंगे साइड ऑफ स्क्वा प्लॉट दे रखा है स्क्वा प्लॉट दे रखी है दैट इज एट होल वन अपॉइंट टू मीटर की और हमें एरिया निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट निकालना है स्क्वायर प्लॉट तो एरिया क्या होगा स्क्वायर प्लॉट का स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड 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 इंटू साइड तो साइड कितनी थी हमारी एट होल वन अपॉइंट टू मीटर थी तो उसकी उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि हमें एरिया निकालना है राइट स्क्वायर यूनिट होती थी इसलिए मीटर स्क्वायर लिख दिया है अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे टू एट सिक्सटीन प्लस वन इज सेवनटीन सेवनटीन अपॉन टू इंटू सेवनटीन अपॉन टू मीटर स्क्वायर अब सेवनटीन इंटू सेवनटीन टू एट्टी नाइन होता है फिर भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए सेवन सेवनज फोर्टी नाइन सेवन वन ज सेवन प्लस फोर इज़ एवन सेवन एंड वन तो ये आ गया टू एट्टी नाइन तो ये आया टू एट्टी नाइन अपॉन फोर मीटर स्क्वायर अब क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो ये कितना गया? 289 तो 4, 28, आ गया टू एट्टी नाइन को डिवाइड करेंगे फोर से तो देखिए फोर सेवनजा ट्वेंटी एट नाइन आ गया फ़ोर टू ज़ा एट वन बज गया तो इसको कैसे लिख सकते हैं तो सेवेंटी टू होल में आ जाएगा वन ऊपर आ जाएगा और फोर नीचे आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा स्क्वायर प्लॉट का एरिया कितना आ गया सेवनटी टू होल वन अपॉन फोर मीटर स्क्वायर इज द आंसर लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ